नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आज खुशनुमा रहेगा मौसम का मिजाज, 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। गौरव के प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। कई जिलों में रात के पारे में आ रही गिरावट के चलते हल्की ठंड शुरू होने लगी है। उधर मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। बता दें कि मौसम ठीक रहने से चारधाम यात्रियों को सबसे ज्यादा खुशी होगी। दरअसल 17, 18 और 19 अक्टूबर को भारी बारिश के कारण चारधाम यात्रा भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। मौसम साफ रहने के बाद यात्रा फिर से परवान चढ़ी है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में पेट्रोल हुआ महंगा, जानिए आपके शहर में क्या है डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 104 रुपए 12 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 76 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 35 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 9 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 104 रुपए 22 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 94 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 50 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 25 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। इटली जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के दौरे पर जा रहे हैं। 29 से 31 अक्टूबर के बीच में PMG20 समिट के लिए इटली में रहेंगे। शिखर सम्मेलन में G20 सदस्य देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राष्ट्राध्यक्षों, सरकार के प्रमुख भी भाग लेंगे। इस दौरे को इटली के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भी देखा जा रहा है। इटली में संयुक्त बैठक में हिस्सा लेंगी सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इटली दौरे पर रहेंगे और G20 देशों के वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की एक संयुक्त बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें अन्य विषयों के अलावा कोविड महामारी की रोकथाम और प्रतिक्रिया पर चर्चा की। यह बैठक इटली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले होगी। केंद्रीय गृह मंत्री शाह का चुनावी दौरा। यूपी उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे, साथ ही जहां सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे। संगठन के आला पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। इसके साथ ही सरकार के साथ भी सामंजस्य बनाने के लिए बैठकों का आयोजन किया जाएगा। बिनसर वन्य जीव अभयारण्य अतिक्रमण मामला। अल्मोड़ा स्थित बिनसर वन्य जीव अभयारण्य में बिना सरकार की अनुमति के चलाए जा रहे होटल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ याचिका पर उत्तराखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज कोर्ट इस पर अपना फैसला देगी। आज भी नहीं चलेगी काठगोदाम दून एक्सप्रेस। हरिद्वार से लक्सर के मध्य डबल लाइन निर्माण के चलते काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस आज भी निरस्त रही। काठगोदाम में शंटिंग नेट टूटने के चलते कई अन्य गाड़ियां भी प्रभावित हुई हैं। महिलाओं को आर्थिक मदद। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों व संकुल स्तरीय संगठन को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए पौड़ी में सुबह 11 बजे पुलिस मैदान गोपीजन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रुद्रपुर में खेल महाकुंभ। कोविड की दूसरी लहर के बाद अब प्रदेश भर में खेल गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आज से रुद्रपुर में खेल महाकुंभ शुरू हो रहा है। ये ब्लॉक स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। आज के दिन मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार को माना जाता है। 29 अक्टूबर 2005 से इस दिन को इंटरनेट प्रसारण की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों के लिए मनाने का मौका है जिन्होंने इंटरनेट का निर्माण करने में मदद की और जीवन को बदल दिया। T20 वर्ल्ड कप 2021। T20 विश्व कप में आज सुपर 12 राउंड में ग्रुप ए के मुकाबले में वेस्ट इंडीज बनाम B2 के बीच दोपहर 3:30 बजे से शारजाह में मैच खेला जाएगा। ग्रुप टू के मुकाबलों में शाम 7:30 बजे से दुबई में अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान आपस में भिड़ेंगे। रुद्रप्रयाग, सड़क बनने पर ग्रामीणों ने विधायक को पहनाया चांदी का मुकुट। रैतौली जसौली मोटर मार्ग निर्माण से धनपुर पट्टी के अधिकांश गांव जुड़ने से क्षेत्रीय लोगों में खुशी है। रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी के प्रयासों से बनी सड़क से ग्रामीणों में उत्साह है। निर्माण कार्य पूरा होने पर क्षेत्र की जनता ने विधायक चौधरी को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। कैंची धाम का मालपुआ FSSAI से होगा प्रमाणित। अब भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण कैंची में विश्वविख्यात नीम करौली महाराज का महाप्रसाद मालपुआ को प्रमाणित करे। रविवार को भी खुलेगा देहरादून नगर निगम। 20% छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने का आखिरी दिन। 20% छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने का रविवार 31 अक्टूबर को आखिरी दिन है, इसलिए देहरादून नगर निगम के अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि इस बार रविवार को कार्यालय खुला रहेगा ताकि लोग छूट का लाभ ले सके। सफाई और सुव्यवस्थित के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन को मिलेगा पुरस्कार।
पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से हर साल सर्वोत्तम व्यवस्थित स्टेशन के लिए दो रेलवे स्टेशन का चयन किया जाता है। यह चयन काठगोदाम से लेकर बिहार के सीवान तक पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों के बीच होता है। खर्च करने में कंजूसी बरत रहे स्वास्थ्य और आपदा विभाग मंत्री धन सिंह रावत ने लगाई फटकार। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है तो सरकार के मंत्री भी फुल फॉर्म में है। गुरुवार को कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य और आपदा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों के पेच कसे और उन्होंने बजट खर्च में कंजूसी बरतने पर फटकार भी लगाई। देहरादून में मिले डेंगू के 8 नए मरीज, मरीजों की संख्या पहुंची 109। राजधानी देहरादून में भले कोरोना से लोगों को राहत मिली हो, लेकिन डेंगू ने स्वास्थ्य और नगर निगम की चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार को जिले में 8 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इसके बाद देहरादून में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 109 हो गई है। 1200 कर्मचारियों से पूछताछ, 500 सीसीटीवी खंगालने के बाद मिली कामयाबी, ऐसे हत्थे चढ़े 1 करोड़ की लूट के आरोपी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के माल से भरे ट्रक लूट का हरिद्वार पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस ट्रक लूट मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुख्यात सेठी गैंग सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस लूट का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने करीब 1200 ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कर्मचारियों से पूछताछ की और 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पार्टी पर कभी नहीं बनाया दबाव, आज बहुगुणा की तो कल मेरी भी तारीफ करेंगे त्रिवेंद्र हरक। उत्तराखंड में अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले हरक सिंह रावत इन दिनों काफी नपातुला बयान दे रहे हैं। पहले हरीश रावत और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर भी उन्होंने अपने तेवर कुछ नरम किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के हमलों के बावजूद हरक ने काफी सफाई से अपना पक्ष रखा है। वहीं विजय बहुगुणा से नाराजगी पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। उत्तराखंड में बिक रहा 88% नकली सरसों का तेल, इन तरीकों से करे शुद्धता की पहचान। उत्तराखंड की स्वयंसेवी संस्था ने खुलासा किया है कि उत्तराखंड में 88% मिलावटी सरसों का तेल बिक रहा है। स्पेक्स ने उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों में सरसों के 469 नमूने एकत्र किए, जिसमें से 415 सैंपल में मिलावट दर्ज की गई। किस तरह कर सकते हैं तेल का परीक्षण? सरसों के तेल की कुछ मात्रा लें और 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अगर आपके तेल में कुछ सफेद जैसा जम जाता है तो तेल में मिलावट है। सरसों के तेल की गुणवत्ता जांचने के लिए आप रबिंग टेस्ट भी ले सकते हैं। हथेलियों में थोड़ा सा तेल डालकर मले, यदि आपको रंग का कोई निशान और कुछ रासायनिक गंध मिलती है तो इसका मतलब यह है कि तेल में कुछ नकली पदार्थ है। या फिर थोड़ा सा तेल गर्म करें और अगर ऊपर की परत में झाग स्थायी रूप से रहे तो तेल मिलावटी है। ग्राम प्रधान अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, धरने पर बैठा परिवार। थराली के कस्बी नगर का एक परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गया। उन्होंने ग्राम प्रधान और अधिकारियों पर सरकारी योजनाओं से वंचित रखने का आरोप लगाया है। दिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, शुक्रवार को आएगा फैसला। घर में घुसकर युवती के साथ रेप, आरोपी के परिजनों ने पीड़िता से की मारपीट। उधम सिंह नगर जिले में घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म करने और विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया है। मामला रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती को महंगा पड़ा ऑनलाइन दूल्हा, प्रेमी ने जाल में फंसा कर ठगे 55,000। वैवाहिक साइट पर विज्ञापन देना एक युवती को भारी पड़ गया। साइट पर युवती की दोस्ती दिल्ली निवासी एक युवक से हो गई। युवक ने बताया कि वह अमेरिका में काम करता है। वहीं बीते बुधवार को प्रेमी ने उसे जाल में फंसाकर 55,000 रुपए ऐंठ लिए। काशीपुर, पेपर मिल के वेस्ट यार्ड में लगी आग, लाखों का नुकसान। हरिद्वार पुलिस ने पथरी हत्याकांड का किया खुलासा, 1 करोड़ की लूट के आरोपी भी हत्थे चढ़े। 27 अक्टूबर को पथरी थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड का एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने खुलासा किया है। एसएसपी ने बताया कि जुआ खेलने के दौरान हुए विवाद में इस्तकार की हुसैन ने हिसार से सिर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। कैबिनेट, 1,60,000 कर्मचारियों को बोनस का तोहफा, आशाओं का बढ़ेगा वेतन, मेडिकल छात्रों को दी राहत। धामी कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस का तोहफा दिया है, जिससे प्रदेश के 1,60,000 कर्मचारियों को सरकार बोनस देगी। वहीं कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाने पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने मेडिकल छात्रों को राहत देते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड पर 50,000 फीस और बिना बॉन्ड की फीस 4 लाख से घटा 1,45,000 कर दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने रिटायर होने वाले कर्मचारी को पेंशन में राहत देने पर भी मुहर लगाई है। इसके साथ ही धामी कैबिनेट ने NHIDCL को उत्तराखंड में कार्यदायी संस्था के रूप में इम्पैनल करने पर मुहर लगाई है। साथ ही प्रदेश में खनन नीति में संशोधन और खनिज भंडारण के नियम बदलने पर भी सहमति जताई है। हरीश रावत ने प्रदेश में भ्रष्टाचार की आशंका जताई, ट्वीट में कहा 18 एकड़ जमीन का चट हो जाए भोजन।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर भ्रष्टाचार होने की आशंका जताई है। उनका आरोप है कि रुद्रपुर किच्छा में पशुपालन विभाग की 18 एकड़ की जमीन है जिस पर पशु आहार वर्कशॉप संचालित हो रही है, लेकिन इस जमीन पर कुछ लोगों की नजर है। ऐसे में उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि फैक्ट्री को नुकसान में डालकर इसे प्राइवेट सेक्टर को सौंपने की तैयारी कर रही है। होटल सवाई में केक मिक्सिंग सेरेमनी की शुरुआत, 18 फीट लंबे कंटेनर में हो रहा तैयार। विधायक प्रवर चैंपियन के बेटे ने वीडियो बना रहे शख्स का मोबाइल छीना, वीडियो वायरल। खानपुर विधानसभा से भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे और पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक का बेटा एक युवक का मोबाइल छीनते हुए नजर आ रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक आरोप है कि एक युवक एक कार्यक्रम का वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाने से नाराज विधायक के बेटे ने वीडियो बनाने वाले युवक का मोबाइल छीन लिया और अपने पास रख लिया। इस दौरान विधायक चैंपियन की पत्नी ने भी युवक को खूब खरी खोटी सुनाई। ये वाकया वहाँ मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल पर कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बाल श्रम और भिक्षावृत्ति को लेकर जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। जिलाधिकारी आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स और जनपद स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला टास्क फोर्स की बैठक में जिलाधिकारी ने श्रम विभाग और जिला टास्क फोर्स समिति से जुड़े विभागों और संस्थाओं के अधिकारियों और पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल श्रम और भिक्षावृत्ति पर विशेष ध्यान रखते हुए निरंतर छापेमारी की जाए, साथ ही इसमें शामिल व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाए। टिहरी डीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को लगाई फटकार, 15 नवंबर तक निर्माण कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने धनौल्टी में राष्ट्रीय रोडबन क्लस्टर के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। धनौल्टी मेन बाजार पार्किंग निर्माण की धीमी गति पर जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों को आगामी 15 नवंबर तक निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्यों में लापरवाही को लेकर उन्होंने संबंधित लोनेवी के अधिशासी अभियंता का स्पष्टीकरण तलब किया है। काशीपुर गेहूं की 9 नई प्रजातियां किसानों की आर्थिकी बढ़ाएंगे। अगले माह गेहूं की बुआई शुरू हो जाएगी। इस बार गेहूं की 9 नई प्रजातियां किसानों की आमदनी का जरिया बनने के लिए तैयार हैं। काशीपुर कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र क्वात्रा का कहना है कि किसानों को समय समय पर बीज बदलने की जरूरत है। कैबिनेट के फैसले से कर्मचारियों में उत्साह, धामी सरकार का जताया आभार। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मचारियों को लेकर लिए गए निर्णय पर कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की है। पिछले लंबे समय से 22 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी महासंघ सरकार से डिमांड कर रहा था, जिसमें से 2 मांगों पर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।